खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से है, जहां नगर निकाय चुनाव में प्रत्याशी अब जीतने के लिए हर संभव प्रयास करने को तैयार हैं। आज हम बात करेंगे नगर पालिका परिषद नवाबगंज की, यहां पर 25 वार्डों में बटा है। यहां अगर हम बात करें वोटर की, लगभग 16,000 मतदाता हैं। इन मतदाताओं में सबसे दिलचस्प बात यह है कि सभी पार्टियां अपने प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में तो उतारती है, मगर जीत का सेहरा निर्दलीय प्रत्याशी सत्येंद्र कुमार सिंह के सिर पर पिछले चुनाव में बंधा। वहीं एक बार फिर से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जनता से वोट की कर रहे हैं अपील और जीत का कर रहे हैं दावा। अगर हम बात करें केसरगंज सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह जी की, तो उनका क्षेत्र है इसी नगरपालिका क्षेत्र में, उनका आवास भी है। सत्येंद्र सिंह सांसद केसरगंज के बेहद करीबी माने जाते हैं। लोगों का यह भी कहना है कि निर्दलीय प्रत्याशी सत्येंद्र सिंह के सर पर सांसद का हाथ है, इसलिए यहां पर पार्टी मायने नहीं रखती है। किस पद से प्रत्याशी हैं और कहां के प्रत्याशी हैं? मेरा नाम सत्येंद्र कुमार सिंह है, मैं गोंडा जिले के नगर पालिका परिषद नवाबगंज में इस समय निवर्तमान अध्यक्ष हूं और पुनः निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अनार चुनाव निशान के साथ अध्यक्ष पद का दावेदार हूं। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? 5 साल आपने काम किया, उसके रिपोर्ट कार्ड क्या है, किस तरह से लोगों को आप समझाएंगे? देखिए, मैंने जनता के बीच में रह करके जनता के सम्मान के लिए, जनता के सुख दुख के लिए, जनता के लिए आवश्यक जो सरकारी योजनाएँ हैं उनके लिए, गरीब जनता के लिए आवास, पेंशन, राशन, दिव्यांगजनों के लिए जो भी योजनाएं सरकार की थी, जो भी हमारे क्षेत्र के आवश्यक विषय हैं, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, चाहे वो थाने पुलिस स्तर पर किसी का कोई विवाद मामला रहा हो, चाहे पड़ोसी से कोई भी किसी प्रकार का विवाद रहा हो, यहाँ से लेकर के लखनऊ तक किसी की तबीयत खराब रही हो, हमारे क्षेत्र की जनता की मैं बात कर रहा हूँ, किसी की तबीयत खराब हुई हो उसकी दवाई पानी में मदद करना, तहसील में कोई काम पड़ता हो उसकी मदद करना, जिला प्रशासन जिले स्तर पर कोई मदद हो वो मदद करना, हमारे क्षेत्र के लोगों की कोई रिश्तेदारी बाहर है उनका किसी प्रकार के कोई सहयोग कहीं पड़ जाता हो उसके लिए मैं 24 घंटे अपनी जनता की सेवा में उपलब्ध हूँ। 24 घंटे मेरा फ़ोन ऑन रहता है, मैं 24 घंटे फ़ोन उठाता हूँ, अगर नहीं उठाता हूँ किसी कार्यक्रम में हूँ तो कार्यक्रम से निकलने के बाद मैं कॉल बैक करता हूँ। 24 घंटे पूरे सप्ताह 24/7 मैं उपलब्ध हूँ मेरे घर पर, और मेरे 24 घंटे का मतलब आप यहाँ की जनता से पूछ लीजिए, 1:30 बजे रात में, 2 बजे रात में, 4 बजे सुबह, 12 बजे रात में कोई मेरे दरवाजे पे आया होगा, किसी ने फ़ोन किया होगा तो मैं जरूर मिला हूँगा उसको, और उसका जो भी समस्या रहा होगा पूरा प्रयास किया होगा कि उसका निस्तारण करूँ। पार्टी सिंबल अपने आप में बहुत माने रखती है, फिर भी निर्दलीय प्रत्याशी ग्रुप में आप चुने गए यहाँ पर और फिर आप दावेदारी कर रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता पार्टी सिंबल और निर्दलीय के बीच में कहीं कुछ अंतर आएगा? नहीं, निश्चित रूप से पार्टी महत्वपूर्ण है, पार्टी का सिंबल भी महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारा क्षेत्र बहुत छोटा सा क्षेत्र है, नगर पालिका का दर्जा तो प्राप्त है लेकिन ये एक बड़ी ग्राम सभाएं जो जिले की हैं उनके बराबर ही वोटर हैं यहाँ पे, और यहाँ का जो वोटर है वो खास करके निकाय चुनाव में व्यक्तिगत जो संबंध हैं, व्यक्तिगत जो कार्य हैं उनके हिसाब से वोट करने जाता है। अच्छा, यही समीप में एक बिश्नोहरपुर पड़ता है जहाँ के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह जी कुश्ती संघ के अध्यक्ष जी हैं, और कहीं ना कहीं उनका क्या आशीर्वाद आप जनता में आपके साथ है कि नहीं है, कैसा है? देखिए, बिश्नोहरपुर यहाँ से 5 किलोमीटर है और नवाबगंज में पहले सांसद जी नवाबगंज में रहते भी थे, उनका आवास भी है। हमारा क्षेत्र नवाबगंज जो है वो अयोध्या विकास प्राधिकरण के अंतर्गत भी आ गया है और विकास प्राधिकरण रामचंद्र जी का क्षेत्र है, ये क्षेत्र पहले से भी राम जी का क्षेत्र है, बजरंगबली का क्षेत्र है, और हमारे क्षेत्र के माननीय सांसद जी नेताजी मसीहा हैं, यहाँ के लोग, यहाँ की जनता उनको भगवान का दर्जा देती है, जिस तरीके से वो लोगों के सुख दुख में रहते हैं उस तरीके से कहीं कोई राजनीतिक व्यक्ति या कोई व्यक्ति, जबकि ये उनका क्षेत्र भी नहीं है, नवाबगंज तो गोंडा लोकसभा में है लेकिन चूंकि उनका गृह क्षेत्र है, गृह मार्केट है उनकी, तो भी यहाँ वो उपलब्ध रहते हैं, वो भगवान के रूप हैं और यहाँ के सभी लोग भगवान के रूप में पूछते हैं, मैं भी उनको भगवान के रूप में पूछता हूँ और भगवान का आशीर्वाद लेने सभी जाते हैं, मैं भी जाता हूँ। एक आखिरी सवाल, आप नवाबगंज की जनता से क्या अपील करेंगे चुनाव? मैं नवाबगंज की जनता से अपील करूँगा कि जो भी लोग लड़ रहे हैं वो सभी लोग, जैसे कि आप इस समय देश की परिस्थिति देखते हैं कि सारे लोग इकट्ठा होकर के एक ही व्यक्ति के खिलाफ बोल रहे हैं, तो नवाबगंज में भी जितने प्रत्याशी लड़ रहे हैं वो सब मेरे ही खिलाफ बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों को सब ये जानते हैं कि सत्येंद्र के साथ जनता इस तरीके से है कि कुछ होने वाला नहीं है, तो अब कुछ हो नहीं पा रहा है तो क्या कर रहे हैं, सत्येंद्र सिंह को टारगेट कर रहे हैं, अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। मैं जनता से यही कहूंगा कि जो भी विषय इन लोगों के द्वारा उठाए जा रहे हैं कुछ बचा भी नहीं है, अब बचा आते हैं कभी कहते हैं नगर बचाओ, कभी कहते हैं भूमाफिया से बचाओ, मैं जनता से ये अपील करना चाहता हूँ, इस बात का ध्यान रखें और अगर संभव हो तो इस प्रश्न को पूछें जो लोग ये कहते हैं कि नगर बचाओ और जो भूमाफियाओं से बचाओ, नवाबगंज नगर पालिका क्षेत्र में पिछले 5 वर्ष में मेरे कार्यकाल में कोई किसी एक सिंगल व्यक्ति की भी जमीन अगर कब्जा हुई या किसी भूमाफिया ने उनको प्रताड़ित किया हो तो वो नाम लेकर के बताएं कि किसके साथ हुआ है,
यदि नाम नहीं ले सकते हैं तो इसका मतलब कि सिर्फ राजनीतिक स्टंट है, कल्पनाओं से बात कर रहे हैं। और अगर है नाम तो नहीं ले पाएंगे, मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि नाम नहीं ले पाएंगे किसकी ज़मीन का कब्जा हुई, कोई भी एक आदमी नहीं ला करके खड़ा कर पाएंगे, क्योंकि हुआ ही नहीं है, ये केवल एक राजनीतिक स्टंट है। और अगर है एक भी व्यक्ति ऐसा वो खड़ा करते हैं तो मेरा प्रश्न है उनसे, 15 साल जो पूर्व चेयरमैन थे उनके पतिदेव से उनकी बिटिया चुनाव लड़ रही या जो भी अन्य प्रत्याशी लड़ रहे हैं, आप कहाँ सो रहे थे जब किसी गरीब की ज़मीन कब्जा हो रही थी, जब कोई गरीब प्रताड़ित हो रहा था, पीड़ित हो रहा था, जब कोई दबंग उनकी ज़मीन कब्जा कर रहा था, तो आप आराम कर रहे थे या सोच रहे थे कि चलो बेटा तुम रेले गए बहुत अच्छा हुआ, चुनाव आएगा तो तुम्हारे नाम का मजा काटेंगे, तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। ये शुद्ध राजनीतिक स्टंट है, किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है, सिर्फ मेरी इमेज खराब करने की कोशिश, लेकिन जनता समझदार है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत अच्छे मत चुनाव जीते। प्रत्याशियों में आप किससे अपनी लड़ाई मान, कोई लड़ाई ही नहीं भैया, कोई लड़ाई ही नहीं है, बाकी लड़ने का अधिकार सबको। राज मंगल कट, राज मंगल सिंह की रिपोर्ट।